हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा। बीपीएससी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्र का करंट अफेयर्स फरवरी एडिशन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन की शुरुआत हम राष्ट्रीय घटनाक्रम से करेंगे। तो आज का जो पहला न्यूज है हमारे एग्जाम के लिए वो ये कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया था। 8 दिसंबर 2021 को इनका निधन तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ था। तो व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर फ्रॉम दिस न्यूज, आपको क्या याद रखना है इस न्यूज से कि फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन्होंने एज ए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में 1 जनवरी 2020 को पद संभाला था और वह देश के पहले सीडीएस थे। तो देश के पहले सीडीएस का नाम जनरल बिपिन रावत और उनका निधन 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश में हुआ। हेलीकॉप्टर में इनके साथ इनकी पत्नी मधुरिका रावत मौजूद थी और 12 अन्य सैन्यकर्मी भी मौजूद थे। 11 सैन्यकर्मियों का निधन तो उसी दिन हो गया था, लेकिन वायुसेना के एक अधिकारी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो गंभीर रूप से घायल थे, 6 दिन बाद उनका अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। तो इसके अलावा जो अब आपको ध्यान में रखना है उसको मैं समराइज कर देता हूं। इस न्यूज को आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम जनरल बिपिन रावत, इनका निधन कब हुआ तो 8 दिसंबर 2021 को, कैसे तो हेली क्रैश में। कहां पर हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ तो ये तमिलनाडु में हुआ, ठीक है, तमिलनाडु के नीलगिरी में कुन्नूर में हुआ था। और ये हेलीकॉप्टर कौन सा था जो क्रैश हुआ, ये Mi-17V5 था और ये इंडिया ने रशिया से परचेज किया था, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है इस न्यूज से। चलिए अगला न्यूज देख लेते हैं। जो न्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को कवर करना है, रेस्ट ऑल जो स्टेटमेंट रहता है उसको देखने की जरूरत नहीं है। आइए अगला न्यूज देखें। यहां पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड को जब आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिल गया था इंडिया को 3 जनवरी को, उसके बाद भारत ने सामूहिक टीकाकरण अभियान कब शुरू किया था तो सामूहिक टीकाकरण अभियान जो है ये 16 जनवरी 2021 को किया था। ये न्यूज हम कवर कर रहे हैं भारत 2021 से, जो 2021 के महत्वपूर्ण घटनाएं थी उससे हम कवर कर रहे हैं। तो भारत ने सामूहिक टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को शुरू किया था। इसके बाद जो आगे देखना है इसमें आपको ये नॉट रिक्वायर्ड, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसरो के द्वारा PSLV C51 से फरवरी में 19 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। यहां देखिए 19 उपग्रह को सफलतापूर्वक परिक्षेपित किया गया था 28 फरवरी को। तो इसरो के द्वारा याद रखना है किससे लॉन्च किया गया था, तो PSLV C51 से 19 नंबर ऑफ उपग्रह कितने थे, 19 थे। इसके बाद यहां पर आपको ध्यान देना है कि 3 जो कृषि कानून थे उसको सरकार ने अर्थात संसद में विधेयक पारित करके इसको रद्द कर दिया गया। और ये 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में टेलीविजन पर प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया था कि तीनों कानून को वापस लिया जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो ये हरनाज संधू जो है 2021 का मिस यूनिवर्स बनी। आगे ध्यान में देखिए अगला जो न्यूज है वो पंजाब से है। पंजाब के नए सीएम के रूप में कौन शपथ लिए थे तो चरणजीत सिंह चन्नी, अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री 20 सितंबर को टेक ओवर किए थे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज है चक्रवाती तूफान तौते। तो तौते जो है यहां पर आया था, वेस्टर्न कोस्ट को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था तौते। और एक ध्यान देना है यास जो है ईस्टर्न कोस्ट को प्रभावित किया था। तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर देगा, यास को वेस्टर्न कोस्ट दे देगा और तौते को ईस्टर्न कोस्ट देता है। तो ध्यान रखना तौते जो है तौते गुजरात का है लास्ट में, तो गुजरात तौते गुजरात महाराष्ट्र वगैरह को हिट किया था और यास जो है उड़ीसा को हिट किया था और वेस्ट बंगाल को हिट किया था। उसके बाद ये न्यूज देख लीजिए, गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल विजय रूपाणी के जगह पर बने थे। उसके बाद कर्नाटक में भी नए मुख्यमंत्री बनाया गया था वीएस येदियुरप्पा के जगह पर बसवराज बोम्मई को। और केरल में दूसरी बार पी विजयन को मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लिया था पी विजयन ने। यहां पर देखिए उत्तराखंड देख लेते हैं, उत्तराखंड में क्या हुआ था, तीरथ सिंह रावत के जगह पर पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया 4 जुलाई को। और आसाम में देखिए, आसाम विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत हुई और उसके बाद हेमंत विश्व शर्मा नए मुख्यमंत्री बनाए गए आसाम के। तो आसाम के नए मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा। वेस्ट बंगाल में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है ममता बनर्जी। और यहां पर देखिए पुदुचेरी में एनआर कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन हुआ और एन रंगास्वामी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बनाए गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो एम के स्टालिन वहां के मुख्यमंत्री बने।
और ये तो न्यूज आपने देख ही लिया था, जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर में दुर्घटना। भाई एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं जो इतना आपने कवर किया। हरनाथ संधू मिस यूनिवर्स 2021, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब का, फिर यहाँ भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, फिर बसवराज बुम्बई कर्नाटक के मुख्यमंत्री, पी विजयन केरल के मुख्यमंत्री, और एस एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन बने, एन रंगास्वामी वेस्ट बंगाल का, ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड का, और असम का हेमंत विश्व शर्मा। अब चलिए आगे देखते हैं आगे खेल से। यहां मैंने पहले से आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको अंडरलाइन कर दिया सो दैट आपको बताने में आसानी रहे। ओलंपिक पदकों के मामले में अगर हम बात करें, ओलंपिक में परफॉर्मेंस की बात करें, तो भारत का यह सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक था जो टोक्यो ओलंपिक था, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो था, जो कि 2021 में संपन्न हुआ, ड्यू टू कोविड 2020 में संपन्न नहीं हो पाया था, तो यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, क्योंकि भारत ने इसमें टोटल जो देखिएगा 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक, यानी टोटल 7 पदक जीता भारत ने, और इस 7 में गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज को अगर डिवाइड कीजिएगा तो 1, 2 एंड 4, ठीक है, तो इस तरह से। और भारत का पदक तालिका में अगर हम बात करें तो 48वां पोजीशन रहा, 48 टोक्यो ओलंपिक में भारत का पोजीशन था। अगर टोक्यो पैरा ओलंपिक की अगर बात करेगा तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और कुल 19 पदक भारत ने जीता। देवेंद्र झाझरिया एक अनोखा रिकॉर्ड हासिल किए हैं, देवेंद्र झाझरिया जो है पैरा ओलंपिक से संबंधित है और तीसरी बार पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। बैडमिंटन की बात करें तो विश्व चैंपियनशिप जो बैडमिंटन चल रहा था उसमें रजत पदक जीतने वाले श्रीकांत कदम्बी पहले भारतीय सेटलर बने, तो रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो सेटलर बने हैं वो श्रीकांत कदम्बी बन गए हैं। क्रिकेट की न्यूज की बात करें तो क्रिकेट में आपको याद रखना है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराकर चौथा आईपीएल अपने नाम कर लिया, तो जो 2021 का आईपीएल था वो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। कुश्ती की अगर हम बात करें तो अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी, तो इंपॉर्टेंट न्यूज है कुश्ती से अंशु मलिक का नाम। आपसे अभी पूछ सकता है कि अंशु मलिक का संबंध किससे है, श्रीकांत कदम्बी का संबंध किससे है, नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है और देवेंद्र झाझरिया का संबंध किससे है। अब आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना में 32 वर्ष की सेवा के पश्चात आईएनएस खुकरी को सेवानिमुक्त कर दिया है, तो आपको ध्यान में रखना है आईएनएस खुकरी जो कि 32 वर्ष तक इंडियन नेवी में सर्विस किया, तो आईएनएस खुकरी था क्या, स्वदेश निर्मित युद्धपोत था, बस इतनी चीज आपको ध्यान में रखना है कि स्वदेश निर्मित युद्धपोत था आईएनएस खुकरी, जिसे 32 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त कर दिया गया अर्थात डीकमीशन कर दिया गया, ये था आईएनएस खुकरी एक युद्धपोत, स्वदेश निर्मित बना हुआ युद्धपोत, और भारत पाकिस्तान में भी इसने रोल अदा किया था, जो भारत पाकिस्तान युद्ध था 1971 का उसमें इसने अपना रोल अदा किया था। अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ब्रह्मोस मिसाइल से, तो ब्रह्मोस मिसाइल आपको मालूम है कि मॉस्कोस रिवर ऑफ रशिया एंड ब्रह्मपुत्र रिवर ऑफ इंडिया ये दोनों के नाम से बना है ब्रह्मोस मिसाइल, और ब्रह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये लैंड अटैक वर्जन पहले भी था, सीप जो एंटी सीप था वो पहले से डेवलप था, लेकिन इस बार जो है इसका वायु संस्करण का परीक्षण किया गया है यानी एयरफोर्स वर्जन का परीक्षण किया गया है। खास बात यह है कि इसकी मारक क्षमता जो कि 290 किलोमीटर था उसको बढ़ा करके 400 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। इसकी स्पीड की अगर बात करें तो इसका स्पीड है 2.8 मैक यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना इसका स्पीड है। अगला न्यूज है मिसाइल से ही, सतह से हवा में मार्क करने वाले यानी सरफेस टू एयर, तो सरफेस टू एयर मिसाइल का वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल का परीक्षण, तो याद रखना है वर्टिकल रेंज जो वर्टिकल रेंज शॉर्ट मिसाइल, ठीक है, तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट मिसाइल जो है का सफल परीक्षण किया गया। यहां पर देखिए वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का डीआरडीओ के द्वारा सफल परीक्षण किया गया और इसका रेंज है 15 किलोमीटर, ठीक है, ये अपने लक्ष्य को 15 किलोमीटर तक भेज सकता है। तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया और इसका रेंज कितना है 15 किलोमीटर, और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, सतह से सतह यानी ग्राउंड टू ग्राउंड पर मार करने वाली एक आधुनिक मिसाइल जिसका नाम है प्रलय मिसाइल, ठीक है, याद रखिएगा तिरंगा वाला प्रलय, प्रलय नाथ आपको याद होगा, तो प्रलय मिसाइल का परीक्षण जो है ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया और यह सतह से सतह पर मार करता है मिसाइल, उसमें मिसाइल भी दिखाया गया था ना तिरंगा मूवी में, तो ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है और इसका जो मारक क्षमता है ये 150 से 500 किलोमीटर है, तो रेंज इसका याद रखिएगा 150 से 500 किलोमीटर।
अगला जो न्यूज है हमारे पास वो है 351 रक्षा उत्पादों को आयात पर प्रतिबंध कर दिया है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इसको आप मेंस में यूज कर सकते हैं इस लाइन को। अगर आप मेंस लिख रहे हैं किसी पीसीएस या यूपीएससी का, देन यू कैन राइट डाउन दिस स्टेप्स, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ओवर इम्पोर्ट ऑन द डिफेंस इक्विपमेंट। तो ये है रक्षा उत्पादों के मामले में भारत सबसे बड़े आयातक अभी भी बना हुआ है और रक्षा उत्पादन की आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने की दिशा में ही यह एक बड़ा कदम उठाया है सरकार ने और 351 और रक्षा उत्पादों को आयात पर रोक लगा दिया है। तो 351 रक्षा उत्पादों को आयात पर रोक लगा दिया है। अगला जो न्यूज है वो है इसरो के विदेशी उपग्रह के प्रक्षेपण। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इसरो जो है अभी हमारा जो है काफी देश विदेश में अपना नाम कर रहा है। तो अंतरिक्ष विज्ञान की अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष विज्ञान के मामले में भारत की गणना विश्व के अग्रणी देशों में होता है। और आप यहां पर देखिए एक डाटा दिया गया है जिसमें बताया गया है कि 1999 से लेकर अब तक 34 देशों के कुल 342 विदेशी उपग्रहों का इसरो के द्वारा अपने ध्रुवीय यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। तो ये लाइन को आप अगर आपका मेंस में आंसर राइटिंग के समय आता है क्वेश्चंस कि राइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इसरो, तो इसरो के जो विकास है उस पर अगर आता है तो इस पॉइंट को आप अगर ऐड करते हैं तो आपका आंसर बहुत ही इफेक्टिव होगा। जो इंडियन डेवलपमेंट है उसके साथ साथ आप कॉमर्शियली चीजों को जो कर रहे हैं उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है। अब देखिए अब इसरो का एक नया प्लान है कि छोटे उपग्रहों को कम लागत पर प्रक्षेपण करने के लिए इसरो अब SSLV लॉन्च करेगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च करेगा। लोअर नहीं है, लॉन्च व्हीकल है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च करेगा SSLV। ठीक है, तो SSLV को विकास कर रहा है इसरो सो दैट छोटे उपग्रहों को कम लागत पर क्या कर सके, लॉन्च कर सके इसरो। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है इसरो का। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताइए कि वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है। ठीक है, इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगला न्यूज है कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल कर लिया है। तो कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है, ये चीज को याद रखिएगा। अगला जो न्यूज है आपको, समुद्र की गहराइयों में बहुमूल्य संसाधनों की खोज व अन्य समुद्री अध्ययन हेतु समुद्र यान परियोजना। तो समुद्र यान परियोजना जो है समुद्र की गहराइयों में बहुमूल्य संसाधनों की खोज और अन्य समुद्री अध्ययन हेतु। तो ध्यान रखिएगा इसका पर्पस समुद्र यान परियोजना, और यह परियोजना पृथ्वी विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा आरंभ किया गया है। तो ध्यान देना नोडल जो मंत्रालय है इसका पृथ्वी विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यह किया गया है। समुद्र यान परियोजना किस लिए, समुद्र की गहराइयों से बहुमूल्य संसाधन की खोज व अन्य समुद्री अध्ययन हेतु। अगला जो न्यूज है आपको कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है। तो बस इतना याद रखिए कि झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया था और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया था। कुछ जो अन्य स्टेशन थे झांसी रेलवे स्टेशन के अलावे, तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन जो था उसका प्रयागराज जंक्शन, और मुगल सराय का दीनदयाल उपाध्याय, फैजाबाद स्टेशन का अयोध्या, तथा मध्य प्रदेश के हबीबगंज जो कि भोपाल में है, हबीबगंज भोपाल रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। इसके पश्चात अब उत्तर प्रदेश के जो झांसी रेलवे स्टेशन है उसका नाम अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये सारे चेंजेज आए हैं, तो ये एग्जाम में आपका प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है अग्नि प्राइम से, अग्नि प्राइम क्या है, अग्नि प्राइम कुछ नहीं है, अग्नि का ही एडवांस वर्जन है अग्नि प्राइम। तो पी फॉर प्राइम होता है, अग्नि पी का मतलब पूछे तो अग्नि पी प्राइम है जिसका DRDO ने सफल परीक्षण किया है। तो यहां पर देखिएगा APJ अब्दुल कलाम से, और यह देखिए सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के तट से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहां पर है, तो उड़ीसा में है। अग्नि प्राइम मिसाइल क्या है, तो सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। ठीक है, तो अग्नि का ही एडवांस वर्जन मिसाइल है यह। अगला है 15 से 18 वर्ष की आयु का टीकाकरण। तो ये जनवरी 2022 में प्रारंभ हुआ और उसी के लिए देश को संबोधन किए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो 3 जनवरी 2022 से इसका प्रारंभ। अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए वो ये कि ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण का केंद्र जो है लखनऊ में शिलान्यास किया। तो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र मैन्युफैक्चरर हब के रूप में लखनऊ को डेवलप किया जा रहा है। तो लखनऊ में इसका ब्रह्मोस मिसाइल का विनिर्माण केंद्र ओपन किया गया, शिलान्यास किया गया। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, वर्तमान में रक्षा मंत्री हमारे देश के हैं श्री राजनाथ सिंह। ठीक है, तो ये भी याद रखिए कि रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में राजनाथ जी, और इन्होंने 26 दिसंबर 2021 को यह शिलान्यास किया था।
उसके बाद अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम ओवर हो गया, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हमारा पहला न्यूज है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बांग्लादेश का यात्रा। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी 15 से 17 दिसंबर तक बांग्लादेश का राजकीय यात्रा पर, 3 दिन का इनका यात्रा था। ये शेख हसीना है वहां के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, इनका 3 दिन का बांग्लादेश का यात्रा था। ठीक है, तो याद रखिएगा 15 से 17 दिसंबर इनका डेट था। रेस्ट ऑल अगर हम बात करें, यहां पर देखिए नासा का पार्कर यान, तो ये पार्कर यान जो है किसका है, नासा का है। और ये क्यों लॉन्च किया गया था, इसको 2000 देखिएगा यहां पर 2018 में लॉन्च किया गया था और 2021 में जाकर के इसने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। सूर्य के कोरोना, सूर्य के जो सतह, बाहरी सतह यहां पर देखिए, उसको अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, कोरोना को अध्ययन करने के लिए। तो पार्कर यान का संबंध है नासा से है और ये सूर्य के कोरोना को छूने वाला मानव निर्मित पहली वस्तु बन गया है। तो कोई मानव निर्मित चीज जो सूर्य को टच कर पाया है तो वो है पार्कर यान नासा का, इसे लॉन्च किया गया था 2018 में। अगला न्यूज है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत यात्रा। एक दिन का भारत यात्रा था ये, 6 दिसंबर को आए थे और उसी दिन वापस चले गए थे। भारत रूस का 21वीं शिखर वार्ता था, उसी को अटेंड करने आए थे, जो कि नई दिल्ली में संपन्न हुआ। Here you can see, नई दिल्ली में 2+2 की व्यवस्था के तहत बैठक के अवसर पर रूस के रक्षा मंत्री अटेंड किए थे, देश के हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, और जो विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर वो भी थे, डॉक्टर एस जयशंकर। और यहां पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एंड हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। नाउ कमिंग टू द विश्व 2021, जो हमारे 2021 में इंपॉर्टेंट न्यूज था उसको देख लेते हैं। ये वाला देख लीजिए, जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। तो जो बाइडेन, ये जो बाइडेन है और 46वें राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका के शपथ लिए हैं। म्यांमार में तख्ता पलट हुआ और उसके बाद आंग सान सू को सत्ता से सत्ताच्युत कर दिया गया और वहां सेना ने अपना पावर टेक ओवर कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो अगला न्यूज है आपको, मिस्र में क्या हुआ था कि मिस्र के स्वेज कैनाल में एक विशालकाय कंटेनर फंस गया था और उसे इस मार्ग को 5-6 दिनों के लिए बाधित हो गया था। तो याद रखिएगा मिस्र की स्वेज कैनाल। ठीक है, क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव राहुल कास्त्रो के पद त्यागने के बाद 62 साल से जो क्यूबा में चल रहा था क्यूबा बंधुओं का शासन, वो समाप्त हो गया। तो राहुल कास्त्रो का संबंध क्यूबा से। मंगल ग्रह पर उड़ान बड़ा कौन, एनएनजीटी मार्स हेलीकॉप्टर। तो एनएनजीटी हेलीकॉप्टर का संबंध किससे है, तो एक तो सबसे पहले कि ये एनएनजीटी जो हेलीकॉप्टर है नासा का है और ये मार्स के अध्ययन के लिए है। ठीक है, किसके लिए, मार्स के अध्ययन के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है। अब मार्स के अध्ययन के लिए चीन का भी एक, यहां पर देखिए जुरोंग रोवर। तो ये जुरोंग रोवर का संबंध चीन से है और ये मार्स के ग्रह पर, मार्स ग्रह पर सफलपूर्वक लैंड कर गया है। तो जुरोंग रोवर का संबंध चीन से है और एनएनजीटी हेलीकॉप्टर का संबंध नासा अमेरिका से है। उसके बाद यहां पर देखिए इजराइल के पीएम के रूप में शपथ ग्रहण कौन लिए हैं, नफ्ताली बेनेट। ठीक है, तो बेंजामिन नेतन्याहू की जगह पर नफ्ताली बेनेट इजराइल के पीएम बने। यहां पर देखिएगा हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की, उनके आवास पर हुए हमला में हत्या हो गया। तो उनके आवास पर हमला हुआ था, हैती के राष्ट्रपति का हत्या हो गया। इटली में, इटली ने इंग्लैंड को फाइनल में हराकर 53 साल बाद, देखिए इटली ने इंग्लैंड को फाइनल में हराकर 53 साल बाद यूईएफए यूरो खिताब जीत लिया है। अगला जो न्यूज है ओलंपिक से, कि ओलंपिक 2020 टोक्यो में शुरू, कोविड के कारण पिछले साल खेल स्थगित कर दिया गया था तो इसको 2021 में संपन्न करा लिया गया। ठीक है, तो आगे जो है ये तो तालिबान वाला न्यूज आपको मालूम ही होगा कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया, और वैसे तो लगभग आप सारे न्यूज से अपडेट होंगे। यहां पर देखिएगा नासा ने फ्रेंच गुयाना से दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली एक टेलीस्कोप का लॉन्च किया है जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप अब कौन हो गया है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। उसके बाद यहां देखिए ये एंजेला मर्केल हैं और इनके जगह पर अब 16 साल के सत्ता रहने के बाद अब जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल पद छोड़ दिया है। अब इनके जगह पर ओलाफ सोल्ज ने पदभार ग्रहण कर लिया, ओलाफ सोल्ज। ठीक है, तो जर्मन का जो अब चांसलर है वो है ओलाफ सोल्ज। ठीक है, इसको बाद में भी देखेंगे, ये न्यूज बाद में भी आपको मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए बारबाडोस जो है एक नए गणतंत्र के रूप में देश बन गया है, बारबाडोस नया देश बना है। और मैग्डालेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैग्डालेना एंडरसन जो है स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। दुबई में आयोजित फाइनल में ऑस्ट्रेलिया, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है,
आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी पुरुष मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर जीत लिया है, राइट। और उसके बाद आपको लिए ग्लासगो, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, COP26। ये COP26 को तो याद रखिएगा, COP26 जो है ग्लासगो में संपन्न हो गया है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको यहां से देखना था जो इंपॉर्टेंट था। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ये चीज आपने देख लिया कि नासा के द्वारा जो है सबसे बड़े और शक्तिशाली स्केप टेलीस्कोप जेम्स वेब का लॉन्च कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा जो अब टेलीस्कोप हो गया है, सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप हो गया, वो जेम्स वेब हो गया है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। उसके बाद जो अगला न्यूज है आपके लिए इंपॉर्टेंट, वो म्यांमार का ये वाला देख लिया कि म्यांमार में आउन सांग सू को पद से हटा दिया गया और वहां सेना ने सत्ता ग्रहण कर लिया। अब अगला जो न्यूज है, फोर्ब्स जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट फोर्ब्स ऑकलैंड में विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला। तो विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला कौन बनी? जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट। और इसके साथ ही भारत के चार महिलाओं को भी इसमें सूची में शामिल किया गया है। आइए दिखा देते हैं कि वो भारत की चार विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं में कौन कौन है। निर्मला सीतारमन हमारे देश के वित्त मंत्री, और रोशनी नाडर मल्होत्रा, ठीक है, तो रोशनी नाडर मल्होत्रा को, और किरण मजुमदार शाह, याद रखिए निर्मला सीतारमन, रोशनी नारायण मल्होत्रा, किरण मजुमदार साव, और चौथा नाम जो है इंडिया से फागुनू नायर, ठीक है। तो इन चारों को फोर्ब्स सूची में स्थान दिया गया है। ये फोर्ब्स जो है अमेरिका का एक पत्रिका है जो कि विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं का सूची 2004 से प्रतिवर्ष जारी कर रहा है। अब आइए आगे चलते हैं। अगला जो न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गैबोन और संयुक्त अरब अमीरात, ये पांच देश जो हैं अब 1 जनवरी 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य बने हैं। तो याद रखिएगा पांच नए अस्थायी सदस्य, अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गैबोन, संयुक्त अरब अमीरात। अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गैबोन, संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी 2022 से नए अस्थायी सदस्य बने। भारत का यह दूसरा वर्ष चल रहा है। ये दिखा देते हैं हम डिटेल में। देखिए भारत भी अभी अस्थायी सदस्य है, तो भारत 1 जनवरी 2021 से सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, और भारत ने लगातार 8वीं बार, यहां पर देखिए भारत का लगातार नहीं, भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, ठीक है। तो जो अभी वर्तमान में अस्थायी सदस्य है इसको मिलाकर के 8वीं बार भारत सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बना है 8वीं बार। तो भारत का परिषद में 2 वर्षीय का सदस्यता 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा 15 सदस्य टोटल जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है उसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, इसमें 5 परमानेंट होते हैं और 10 क्या होता है टेम्पोररी होता है। 5 परमानेंट की अगर हम बात करें तो ये रहा 5 परमानेंट मेंबर, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अमेरिका, याद हमारे साथ बोलिए, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, याद रहेगा अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, तो ये तीन तो आपको याद रहेगा, मालूम है अमेरिका, रूस, चीन, और इसको याद रखना है फ्रांस और ब्रिटेन को, ठीक है। तो फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन, ये 5 परमानेंट सदस्य है, बाकी जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं 2-2 वर्ष में। अस्थायी सदस्य क्या होता है, 2-2 वर्ष में चेंज होते रहता है। भारत की सदस्यता 2022 में खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला न्यूज का। अगला न्यूज देखिए, भारत व पाकिस्तान के द्वारा अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान कर दिया गया है। इसके साथ ही कैदियों की भी सूची का भी आवंटन कर दिया है। तो वर्ष 1998 से एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच, दोनों देशों के बीच में एक प्रोटोकॉल है इन दोनों के बीच में कि भाई अपने अपने जो न्यूक्लियर प्लांट है उनको अपना लोकेशन शेयर करें। अब ये इसलिए किया जाता है ताकि अगर गलती से मान लेते हैं कि युद्ध की स्थिति होता है, युद्ध की स्थिति बनता है, उस स्थिति में न्यूक्लियर प्लांट पर हमला ना हो, अदरवाइज समझ सकते हैं कि कितना विध्वंसक हो सकता है, तो इसीलिए इस चीजों को शेयर किया जाता है। और उसके बाद अभी क्या है, कैदियों का भी सूची आदान प्रदान किया गया है। तो बस इतनी चीज आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 1988 से, यहां ध्यान रखिएगा वर्ष 1988 से, ठीक है, वर्ष 1988 से एक आपसी द्विपक्षीय समझौता का अनुपालन के तहत भारत और पाकिस्तान अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों का जो मसौदा है एक दूसरे को चेंज कर रहा है। यह आपने देख ही लिया था कि जर्मनी के जो ओलाफ सोल्ज हैं नए चांसलर बन गए हैं, ठीक है, एंजेला मर्केल का 16 वर्ष का शासन जो है समाप्त हो गया है। ये देखिए ओलाफ सोल्ज, ठीक है, जर्मनी के नए चांसलर। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि जर्मनी के नए चांसलर कौन है, तो एंजेला मर्केल मत मार दीजिएगा, ओलाफ सोल्ज है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। अब है आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य में आप यहां देखिए प्रमुख बैंकिंग दरें को देख लीजिए। प्रमुख बैंकिंग दर को क्या है, रेपो दर क्या है अभी वर्तमान में, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर आपने पहले मगअप किया है तो वही है, रेपो रेट जो है वो 4% है, रिवर्स रेपो रेट थोड़ा सा कम है 3.3% है, बैंक रेट 4.25% है,
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एमएसएफ रेट जो है वो 4.25%। तो यहां देखिएगा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट कितना है 3.35, रेपो रेट कितना है 4% और एमएसएफ रेट कितना है 4.25। और एक और रेट है जो 4% है वो है सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, ये भी 4% है। और जो सबसे ज्यादा यहां पर देखिएगा एसएलआर है, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर कितना है वर्तमान में 18%। तो इतना रेट आपको ध्यान में रखना है, इस सारे रेट को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कभी भी जब एग्जाम होता है तो इसको एक बार जरूर देख के जाना चाहिए। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है थोड़ा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दीजिए, और वो कौन से गवर्नर हैं आरबीआई के। अगला न्यूज है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को अब कंटिन्यू कर दिया गया है, बोला है मार्च 2024 तक इसको जारी रखने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। तो अब सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू कब किया गया था। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सबके लिए आवास के उद्देश्य से शुरू किया गया था नवंबर 2016 में, राइट। बस इतनी चीज आप ध्यान में रखिए। उसके बाद यहां पर देखिए हाल ही के वर्षों में विदेशी निवेश का जो ब्यौरा है वो बढ़ा है, और इसको रिजर्व बैंक का आंकड़ा जारी किया है। हाल ही के वर्षों में भारत में जो विदेशी निवेश है वो उसका क्या रिपोर्ट है वो जारी किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो विदेशी निवेश से संबंधित जितना भी रिपोर्ट होगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आंकड़ा जारी किया है। तो आपको यहां पर दो चीजें का फुल फॉर्म याद करना है, एक एफडीआई और एक एपीआई। तो एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट ये एक्सपेंडेड फॉर्म पूछ देता है। और दूसरा होता है एपीआई, तो इसका होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो बस एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इतना चीज याद रखिए पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां पर देखिए लघु बचत पर ब्याज दर अपरिवर्तित, तो कुछ सेविंग्स है उस पर आपको ये बचत दर है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो यहां पर देख लीजिए किस पर कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कितना सेविंग करेंगे तो आपको इंटरेस्ट किस पर मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना लगभग हमको लगता है सबसे ज्यादा अभी चल रहा है 7.6%, ठीक है। तो अगर आप सेविंग करते हैं इसमें, आपकी बच्ची है तो किसी भी व्यक्ति का सिस्टर है आपके पास, तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में। यहां पर चलिए अगला जो न्यूज है, और ये खास नहीं है, 2022 तिमाही में भुगतान संतुलन चालू खाते में घाटा नॉट रिक्वायर्ड। यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज है केन बेतवा लिंक परियोजना से। तो केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों के बीच में है, एमपी और यूपी के बीच में, ठीक है। तो अभी हाल ही में इन दोनों के मंत्रियों के बीच में केन बेतवा लिंक परियोजना को जोड़ने के लिए तैयार हो गया है, और इस पर मसौदा तैयार हो गया, और उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी इसको परमिशन मिल गया है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना में क्या है, एक जो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में दौधन बांध के निर्माण, लोअर उर और कोठा बैराज बनेगा। अब इसमें खास बात क्या है कि इससे क्या क्या फायदा होने वाला है केन बेतवा लिंक परियोजना से। इससे एक तो पहला नंबर वन पर यह है कि बुंदेलखंड क्षेत्र को पानी मिल जाएगा, ताकि वहां पर 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वहां पर सिंचाई का सुविधा मिलेगा। उसके साथ ही 62 लाख लोगों को पेयजल की उपलब्धि हो पाएगा, और इस परियोजना के तहत 103 मेगावाट पनबिजली परियोजना उत्पादित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। उसके साथ ही 27 मेगावाट सौर सोलर एनर्जी भी पैदा किया जाएगा। तो एनर्जी भी और पेयजल भी और एग्रीकल्चर, ये चार इसका मुख्य पर्पस है। 27 मेगावाट सोलर, 103 मेगावाट पनबिजली और 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा, और 10 लाख हेक्टेयर को सिंचाई का सुविधा इससे मिल सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है केन बेतवा लिंक परियोजना एमपी और यूपी के बीच में है। मसाला उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि हुआ है भारत में। तो अब आपको जो वृद्धि हुआ वो नहीं देखना, आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर देखिए मसाला में भारत का चौथा स्थान बना हुआ है विश्व में, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला जो न्यूज है वो है पीएम किसान सम्मान योजना से। तो पीएम किसान योजना आप मालूम है पीएम किसान, तो पीएम किसान योजना जो है कब शुरू किया गया था, दिसंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। किसानों को पूरक आय प्रदान करने के लिए उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यानी पीएम किसान योजना दिसंबर 2018 में स्टार्ट किया गया था। तो इस पॉइंट को आप याद रखिए, जिसमें 6,000 का सालाना मदद जो है किसानों को इंस्टॉलमेंट में, 2,000 के 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा पीएम किसान योजना 2018 में, दिसंबर 2018 में लॉन्च किया गया था, राइट। अगला जो न्यूज है आपके लिए, यहां पर देखिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी में वृद्धि कर दिया गया है। तो खोपरा जो है ये क्या है, नथिंग बट अ नारियर है। तो शेष इसका जो है 43 पेज पर दिया हुआ है, तो इसको हम जब 43 पेज आएगा तो देख लेंगे। थोड़ा सा यहां पर देखिएगा जेडब्ल्यूएसटी का फुल फॉर्म, अभी जस्ट आपने देखा था कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो जेडब्ल्यूएसटी जेम्स वेब टेलीस्कोप यह क्या है, नासा का एक स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है। तो ये इतना आप जानिए। इसके बाद विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे के नए चेयरमैन, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी है। इसके बाद आपको जो ध्यान में रखना है
रामानुजन अर्जुन पुरस्कार, तो रामानुजन अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? मैथ से है, बस इतना, बस ज्यादा मत देखिए। रामानुजन अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? तो मैथ से है। ओके, चंडीगढ़ के हरनाथ संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है, तो ये तो आपने पहले ही देख लिया था। इसके साथ ही भारत से ये तीसरी बन गई है जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। पहली बार 1994 में सुष्मिता सेन और उसके बाद लारा दत्ता ने 2000 में जीता था। तो लारा दत्ता ने 2000 में, सुष्मिता सेन 1994 और मिस यूनिवर्स 2021 में बनी। तो समझ रहे हैं 21 साल बाद यह अकाल खत्म हुआ और चंडीगढ़ के हरनाथ संधु जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स का खिताब हरनाथ संधु। यहां पर देखिए, अब भाई हम बात कर लेते हैं, वर्ष 2021 के मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता स्थगित हो गया। तो मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता था, मिस यूनिवर्स तो जीत लिए हरनाथ संधु ने, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है वो स्थगित हो गया है ना। अब आइए आगे चलते हैं, अगला न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला न्यूज क्या है आपके लिए जो देखिए, अगला न्यूज है साहित्य, ये यहां पर देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से, नॉट साहित्य पुरस्कार से, साहित्य पुरस्कार भी आएगा। असमी साहित्यकार नीलमणि फुकन, ये नीलमणि फुकन है, और कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजी, ठीक है, दामोदर मौजी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। तो दो ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2020 और 2021 का साथ में दिया गया। तो 2020 वाला 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था और 2021 वाला 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो एग्जाम में दोनों को रट के जाइएगा। नीलमणि फुकन जो है असम के कथाकार हैं, नीलमणि फुकन, इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। वहीं ये जो आपको 2021 का 57वां पुरस्कार है, कोंकणी लेखक, कोंकण के हैं, दामोदर मौजी, इनको दिया गया, दामोदर मौजी को। अवार्ड में कैश प्राइज की अगर हम बात करें तो 11 लाख रुपया दिया जाता है और पहली बार यह 1965 में दिया गया था। और पहली बार कौन जीते थे ज्ञानपीठ पुरस्कार? जी शंकर कुरू, मलयालम, ठीक है। तो मलयालम में जी शंकर कुरू को यह पुरस्कार दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार से, 1965 में यह अवार्ड दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय 22 जो संविधान में भारत का भाषा है शामिल है उसमें दिया जाता है। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था, याद रखिएगा यहां इंपॉर्टेंट है, जो 54वां यानी 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार था उसमें अंग्रेजी साहित्य के लिए भी यह दिया गया था। तो ये चीज को आप ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या 22 भारतीय भाषाओं के अलावे आपको कुछ दिया गया था, तो यस अंग्रेजी में भी दिया गया था ये, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कैश प्राइज, आपने देख लिया 11 लाख रुपया दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इनका नाम याद रखिएगा बस। तो पहली बार जी शंकर कुरूप को, और जो 2020 में किसको मिला? नीलमणि फुकन असमिया कथाकार, और 2021 में दामोदर मौजी कोंकणी लेखक, ठीक है। अब आइए आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और उस भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? तो भूटान का नागरिक सम्मान का नाम है द ड्यूक गयालपो, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ड्यूक, ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गयालपो। तो गयालपो गोलगप्पा मत समझ लीजिएगा, गोलगप्पा भी समझ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना बेसिकली आपको क्वेश्चन को हिट करना है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गयालपो जो है वो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और उसे नवाजा गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? एलन मस्क, बस याद रखिए। इनको टाइम्स पत्रकार द्वारा वर्ष 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। तो टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया इस बार? एलन मस्क को, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या देखना है, आइए देखिए। ओके, नाउ कम टू द साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो लिस्ट है वो जारी हो गया है। तो आपको मालूम है साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है बताइए? ज्ञानपीठ पुरस्कार तो आपने देखा कि 22 भारतीय भाषाओं में दिया गया था, लेकिन 2018 में अंग्रेजी के लिए भी दिया गया था। अब बताइए कि आप साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? जी हाँ, 24 भाषाओं में दिया जाता है ये, ठीक है। 22 के अलावे दो और दिया जाता है, इंग्लिश और राजस्थानी, ठीक है। तो आपको जो ध्यान में रखना है वो ये नहीं, आपको ध्यान में रखना है ये वाला पॉइंट जो ब्लू से हाईलाइटेड है, ठीक है, कि हिंदी में किसको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार? दया प्रकाश सिन्हा को, ठीक है। किसको दिया गया था, मैं इरेज कर देता हूं, दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था, याद रहेगा, दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि इतना तो नहीं याद रहेगा ना। यहां देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी व राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, ठीक है। और यहां पर वो लिस्ट है जो कौन कौन से 22 भाषाएं हैं जो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो 22 भाषाओं का जो संबंध है संविधान के 8वीं अनुसूची से, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, ये ऐसे याद नहीं रहेगा, इसको आप मैप के थ्रू याद रख लीजिएगा, ठीक है। इतना तो मेहनत कर ही सकते हैं ना, इसको मैप के थ्रू याद करिएगा।
मैप के थ्रू याद करेगा तो जल्दी याद रहेगा आपको, इसलिए बोल रहे हैं। यहां पर देखिए, एथलेटिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स के पुरस्कार 2021 में भारत के अंजू बेबी जॉर्ज को दिया गया। अंजू बेबी जॉर्ज को वुमन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो यह पहला अवार्ड है जब वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा दिया गया है, तो अंजू बेबी जॉर्ज को वुमन ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, तो किसको वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा वुमन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो अंजू बेबी जॉर्ज को। रेस्ट और आपको ध्यान नहीं रखना है। यहां पर देखिए आप कुछ इंपॉर्टेंट जो डेज है उसको ध्यान दीजिए। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम था इंड इक्वालिटीज इंड एड्स। ठीक है, याद रहेगा 1 दिसंबर एड्स दिवस, थीम क्या था? इंड इक्वालिटीज इंड एड्स। उसके बाद 3 दिसंबर को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जयंती है। तो बीपीएससी वाले ध्यान रख दीजिएगा, 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद नौसेना दिवस का मनाते हैं, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, और नौसेना दिवस क्यों मनाते हैं? 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना की उपलब्धियों को स्मृति में 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष नौसेना दिवस रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन कराची बंदरगाह पर नौसेना ने हमला किया था। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको जो ध्यान में रखना है, मैंने ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, तो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में 13 दिन तक जो युद्ध चला था 16 दिसंबर को ही उन्होंने सरेंडर किया था। ठीक है, इसके अलावा यहां पर देखिए वर्ष 2022 अंतरराष्ट्रीय वर्ष क्या है? तो सतत विकास हेतु बुनियादी जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये है अंतरराष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपको जो याद रखना है, 19 दिसंबर को गोवा दिवस के रूप में, गोवा को आजादी मिला था, मतलब आपको पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था 1961 में, गोवा को बाद में पुर्तगालियों से आजाद किया गया था 1961 में। और इसके अलावा जो आपको ध्यान में रखना है वो है राष्ट्रीय किसान दिवस। तो राष्ट्रीय किसान दिवस 2001 से मनाया जा रहा है, 2001 से मनाया जा रहा है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो उन्होंने यह घोषणा किया था कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाएगा। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, वहीं 25 दिसंबर को 2 दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तो भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती है वो, और दूसरा सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। तो ये प्रश्न बनेगा आपको, सुशासन दिवस 25 दिसंबर, और ये सुशासन दिवस किसके अवसर पर मनाया जाता है? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को है, इसी अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है और 2014 से मनाया जा रहा है। दिसंबर 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस है, क्योंकि कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से कांग्रेस ने अपना 137वां स्थापना दिवस 2021 में मनाया। याद रखिएगा कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885। कुछ बुक्स है, जस्टिस फॉर द जज रंजन गोगोई का है, जस्टिस फॉर द जज रंजन गोगोई, और वन अरेंज्ड मर्डर जो है चेतन भगत का है। इसके अलावा जो आपको ध्यान में रखना है, जैसलमेर के निकट बिग दुर्घटनाग्रस्त नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद आपको जो ध्यान रखना है क्या, आइए खेल से देख लेते कुछ न्यूज। ओके, जल्दी से चलते हैं बैडमिंटन के, विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता चैंपियनशिप, भारत के कादम्बी श्रीकांत को रजत पदक। तो ये आपने पहले देख लिया था कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के कादम्बी श्रीकांत को रजत पदक मिला है, और श्रीकांत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। लेकिन मैं बता दूं कि अगर सिर्फ पदक पूछेगा तो उनका नाम होगा किसका, प्रकाश पादुकोण का। प्रकाश पादुकोण ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लिए पहली बार पदक कोई जीता था तो वो था प्रकाश पादुकोण। ठीक है, 1983 में। चलिए यहां पर देखिए, प्रकाश पादुकोण कांस्य पदक पुरुष एकल में जीता था, और यहां पर कदम्बी श्रीकांत रजत, और लक्ष्य सेन ने कांस्य पदक जीता था। तो ये 2 पदक यहां पर आप देखिए। विश्व मुक्केबाजी की अगर हम बात करें तो विश्व मुक्केबाजी जो है सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ था, और शीर्ष स्थान जो है विश्व मुक्केबाजी में क्यूबा को मिला है, और भारत का जो है 17वां संयुक्त स्थान रहा। भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाला खिलाड़ी था आकाश कुमार। ठीक है, तो विश्व मुक्केबाजी में भारत का स्थान 17वां रहा, लेकिन क्यूबा का स्थान शीर्ष पर रहा। कहां हुआ था? सर्बिया के बेलग्रेड में। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है, यहां पर देखिए, हरभजन सिंह ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया। विश्व शतरंज चैंपियनशिप, याद रखिएगा विश्व शतरंज चैंपियनशिप, मैग्नस कार्लसन जो है नॉर्वे के हैं, मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं, वो विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है।
इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये विजय हरारे वाला, क्योंकि हिमाचल प्रदेश इसकी तुलना 1983 का वर्ल्ड कप से किया जा रहा था, क्रिकेट वर्ल्ड कप से। विजय हरारे ट्रॉफी में हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा दिया और तमिलनाडु को हरा करके यह खिताब अपने नाम कर लिया। अगला जो न्यूज है वो फीफा रैंकिंग से, तो फीफा रैंकिंग फुटबॉल के लिए दिया जाता है, आपको मालूम है, तो पुरुष फुटबॉल और महिला फुटबॉल, तो पुरुष फुटबॉल में नंबर वन पर बेल्जियम है और महिला फुटबॉल में नंबर वन पर फीफा रैंकिंग में नंबर वन का टीम जो है अमेरिका का है और नंबर वन पर बेल्जियम का। भारत की अगर हम बात करें तो नंबर 104 है, ठीक है, फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान 104 है। इसके बाद पुरुष टेनिस खिलाड़ियों का 2021 का एटीपी रैंकिंग जारी हो गया है, जिसमें नंबर वन पर नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। वहीं महिला की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के एस्ले वाटी है। अब इसके बाद आपको देखना है राष्ट्रीय चैंपियनशिप, तो राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो शूटिंग वाला था, निशानेबाजी वाला जो था, वो कहां पर हुआ? दिल्ली, भोपाल और पटियाला में हुआ, नहीं पूछेगा। अब ये जो इंपॉर्टेंट है टेनिस वाला, जो चार ग्रैंड स्लम होता है आपको मालूम है, हालांकि अब तो ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लम 2022 वाला भी हो गया है और उसमें विनर का नाम अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दें तो बहुत अच्छा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। चलिए ऑस्ट्रेलिया ओपन के थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टेनिस ओपन जो 2021 के चारों ग्रैंड स्लैम है उसके न्यूज देख लेते हैं। तो हमने कमेंट सेक्शन में आपसे पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के जो विजेता का नाम है, मेन्स सिंगल्स एंड विमेन्स सिंगल्स, बस इतना ही बता दीजिए, बहुत आसान है। और मैं ये भी बताता हूँ एक ऑस्ट्रेलिया के विमेन्स वाले, चलिए पुरुष एकल्स विजेता ऑस्ट्रेलिया ओपन। चलिए सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर फ्रांसीसी ओपन, फिर विम्बलडन ओपन होता है और अमेरिका, वही सीक्वेंस भी याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रांसीसी ओपन, विम्बलडन और देन अमेरिकन ओपन। तो वर्ष 2021 का हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2021 में पुरुष एकल्स में यह खिताब नोवाक जोकोविच सर्बिया के थे, उन्होंने जीता है, और महिला एकल्स में नाओमी ओसाका ने जीता था। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में देखिएगा पुरुष एकल्स का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच और महिला एकल में नाओमी ओसाका जो कि जापान के हैं। वहीं अगर हम फ्रांसीसी ओपन की बात करें तो नोवाक जोकोविच, बस एक चीज ध्यान रखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021, फ्रांसीसी ओपन 2021 और विम्बलडन 2021, ये तीनों जो खिताब है एकल्स वाला पुरुष में नोवाक जोकोविच ने ही जीता था। तो याद रहेगा तीनों, तो याद रहेगा सीक्वेंस से। बस चौथा जो आपको याद रखना है डेनियल मेदवेदेव का, तो ये रूस के हैं और इन्होंने अमेरिका ओपन का खिताब जीता है। तो तीन खिताब नोवाक जोकोविच ने लास्ट ईयर किया था। महिला ओपन की अगर हम बात करें तो महिला ओपन में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन था, नाओमी ओसाका जो कि जापान के हैं और बारबोरा क्रेजसिकोवा जो कि चेन गणराज के हैं, फ्रांसीसी ओपन जीता था। तो क्रेजसिकोवा ने फ्रांसीसी ओपन जीता था 2021 और एस्ले वाटी ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने विम्बलडन टेनिस जीता था। और मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि विमेंस का जो सिंगल्स है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 खिताब ऑस्ट्रेलिया के एस्ले वाटी ने ही जीता है। चलिए तो अब आपके पास रह गया मेंस वाला, तो उसका आंसर दे दीजिए। एमा राकुदाना जो है अमेरिका ओपन 2021 का खिताब जीता था। तो याद रखिएगा विमेंस की हम बात करें तो अमेरिका ओपन में अगर पूछता है अमेरिका ओपन विमेंस ओपन 2021, तो एमा राकुदाना विम्बलडन, एस्ले वाटी ऑस्ट्रेलिया का, क्रेजसिकोवा जो है यानी बारबोरा क्रेजसिकोवा जो है फ्रांसीसी ओपन और नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलिया ओपन। पुरुष एकल्स की अगर हम बात करें तो क्रोएशिया के इवान डोडिंग और फिलिप पोलसेक जो स्लोवाकिया के हैं, इन्होंने पुरुष युगल्स का खिताब जीत लिया है और पियरे हर्बर्ट और निकोलस माहुतो जो कि दोनों फ्रांस के हैं, फ्रांसीसी ओपन जीते हैं और निकोला मैट्रिक और मेट पैविक ये भी दोनों क्रोएशिया के हैं, इन्होंने विम्बलडन जीता था। राजीव राम और जो सेलेवेरी ये है, जो राजीव राम अमेरिका के हैं और जो सेलेवेरी ब्रिटेन के हैं, इन्होंने अमेरिका ओपन का खिताब 2021 का खिताब जीता था। तो इसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, इसको थोड़ा एक दो बार पढ़ना पड़ेगा तभी आपको याद रहेगा ये चीजें, ठीक है। अब इसके बाद आपको जो ध्यान में रखना है डेविस कप 2020-21 का विजेता कौन सा बना, तो रूस बना। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ था, तो उज्बेकिस्तान ताशकंद में हुआ था। भारत का परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो 16 पदक जीतने में भारत सफल हुआ था, ठीक है। इसके अलावा विश्व टेबल चैंपियनशिप टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन 56वां विश्व टेबल चैंपियनशिप अमेरिका के ह्यूस्टन में हुआ और यह पहली बार टेबल टेनिस का आयोजन वहां पर किया गया। यहां पर फॉर्मूला वन से देख लीजिए कि रेडबुल की टीम मैक्स वर्स्टापेन फॉर्मूला वन रेसो में वर्ष 2021 का विजेता रहे, ठीक है। तो ये इनका नाम है मैक्स वर्स्टापेन, ये फॉर्मूला वन रेडबुल का विजेता रहे हैं।
राज्यों से अगर हम बात करें तो मेरठ प्रयागराज के बीच एक गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया, जिसकी लंबाई है 594 किलोमीटर और ये 12 जिला से होकर गुजरेगा और ये पहले अभी 6 लेन का प्रपोज है लेकिन बाद में इसको 8 लेन किया जाएगा, 2024 तक इसको पूरा किया जाएगा। इसके बाद अगला जो न्यूज है इंपॉर्टेंट यूपीसी की, मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी मेरठ में शिलान्यास किया गया है इसका। इसके बाद इसके अलावा आप देख लेते हैं कि और कुछ आपके लिए बचा हुआ है। यहां देखिए, तो ये तो आपने देख ही लिया है कि लखनऊ में ब्रह्मोस का मैन्युफैक्चरर हब खोला गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव गोवा के पणजी में संपन्न हुआ, तो ये भी ध्यान दे दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव गोवा के पणजी में संपन्न हुआ और 1971 के भारत पाकिस्तान जो विजय था ये उसके अवसर पर 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्मरण डाक टिकट शुरू किया गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रतियोगिता दर्पण, दिस वॉज ऑल फ्रॉम प्रतियोगिता दर्पण। आपको पूरा प्रतियोगिता दर्पण समाप्त होता है यहीं पर, तो दैट्स ऑल। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।